सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव की आविर्भाव स्थली योगपीठ मायापुर के समीप वीर नगर नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा कोलकाता नगरी में हुई। वे बड़े ही कुशाग्र अर्थात तीव्र बुद्धि के थे। बचपन से ही इनमें धार्मिक भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। छात्रावस्था में ही वे विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य स्थानों में आवश्यकता अनुसार बंगला अथवा अंग्रेजी भाषा में धर्म संबंधी प्रतिभाशाली वक्तृता दिया करते थे। विद्या शिक्षा के उपरांत वे उड़ीसा प्रदेश में चले गए तथा वहां पर डिप्टी मैजिस्ट्रेट के रूप में विशेष राज कर्मचारी नियुक्त हुए। वहीं पर वे राज्य सरकार के द्वारा वहां के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए। उनके समय में भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा बड़े ही सुंदर और सुचारू ढंग से व्यवस्थित हुई थी। उसी समय में उड़ीसा में घने जंगल में वास करने वाले विश्वक्सेन नामक तथा कथित योगी ने स्वयं को श्री कृष्ण कहकर और कहलाकर एक पूर्णिमा की रात में रास रचाने की घोषणा कर दी। उस क्षेत्र के आसपास की स्त्रियां भी उस रास में योगदान करने के लिए बड़ी ही उतावली होने लगी। ऐसा देखकर समस्त ग्रामीणों ने राज्य सरकार को अपनी चिंता बतलाई। राज्य सरकार ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को ही जांच व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। उन्होंने उसे दोषी पाकर दंडित किया तथा वह कारागृह में अपने आप अनशन कर मर गया। वे जहां जहां भी गए वहीं पर उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के आचरित और प्रचारित शुद्ध भक्ति धर्म का प्रचार किया। राज्यकार से अवसर लेने पर उन्होंने वृंदावन में जाकर भजन करने का संकल्प किया। श्री वृंदावन की ओर यात्रा करने पर मार्ग में ही पश्चिम बंगाल की सीमा के अंतर्गत तारकेश्वर नामक स्थान में परम भक्त महादेव ने उन्हें स्वप्न आदेश दिया। तुम अभी वृंदावन जा रहे हो किंतु तुम्हें यहाँ पर रहकर बहुत से कार्य करने हैं। अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थली श्री मायापुर योगपीठ का प्रकाश नहीं हुआ। तुम्हें नवद्वीप के 9 द्वीपों और उनकी महिमा को प्रकाशित करना है। श्री महादेव के इस आदेश को पाकर वे वहीं से लौट आए और श्री नवद्वीप के गोद्रुम कुंज में एक कुटिया बनाकर भजन करने लगे। वहीं रहते समय उन्होंने श्रीधाम मायापुर योगपीठ को प्रकाश किया। श्री योगपीठ का संधान प्राप्त कर उसे किसी श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य द्वारा प्रमाणित करने के लिए उन्होंने व्रत से वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलवाया। उस स्थान पर पहुंचकर 144 वर्ष की आयु वाले श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उद्दंड नृत्य करते करते कहने लगे, यही मेरे आराध्यतम शचीनंदन श्री गौर हरि का जन्म स्थल है। इस प्रकार उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की जन्मस्थली योगपीठ को प्रकाश किया। तदुपरांत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लोक समाज में श्री गौरहरि जन्मस्थली योगपीठ मायापुर का प्रचार किया। उन्होंने जगत को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रदान करके एक और भी महत्वपूर्ण कार्य किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा पूर्ति के लिए श्रीमन महाप्रभु द्वारा आचरित और प्रचारित शुद्ध भक्ति और नाम प्रेम का केवल बंगाल और भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस ग्रंथ में लिखा है, भक्त गणे आज्ञा दील चैतन्य इच्छाय न दिया महात्म वर्णी भक्तेर कृपाय जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हैल धाम लीला प्रकाशिते भक्ते आज्ञा दील श्री नवद्वीप धाम महात्म 1:9:11। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अप्रकट होने के बाद अपने भक्तों को श्री नवद्वीप धाम को जगत में पुनः प्रकट करने के लिए प्रकाशित करने के लिए आज्ञा दी थी तथा उन भक्तों ने मुझे श्री नवद्वीप धाम का महात्म्य प्रकाश करने के लिए आदेश दिया। भक्तों के आदेश को श्रीमन महाप्रभु का ही आदेश मानकर मैं श्री नवद्वीप धाम का महात्म का वर्णन कर रहा हूँ। विशेषकर श्री नित्यानंद प्रभु